नमस्कार, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं पंकज, आज 32वां फूल पाती यह शोभा यात्रा का आप एक कतारबद्ध तरीकों से आप देख पा रहे हैं। तमाम हमारी माता बहनें भाई अंकल आंटी सभी एक अलग ही समर्पण जोश और उमंग के साथ साथ खुशियों में डूबे हुए हैं। खुशियों का यह पल को शब्दों में बखान कर पाना असंभव है। आप यह शोभा यात्रा में देख पा रहे हैं जो भानुभक्त समिति के सौजन्य से इसे निकाला गया है और यह शोभा यात्रा आप नहीं देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे असंख्य एकदम अलग अलग वेशभूषाओं में नृत्य करता हुआ आप यह दृश्य को इस छवि को देख पा रहे हैं और ये माताएं बहने सभी पंक्तिबद्ध तरीके से अनुशासित और एकता का परिचय देते हुए एक साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी चले जा रहे हैं इस शोभा यात्रा में। आपको एक बात यह भी बता दें, यह शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है भाईचारा समाज में बढ़ाना और मिलजुल के रहना। यह शोभा यात्रा में असंख्य अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अलग अलग बैनर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तमाम बैनर्स के और ये बैंड पार्टी देख रहे हैं जो कि अपने आप में सराहनीय है। इस बैंड पार्टी का क्या कहना, ज़बरदस्त, जितना भी प्रशंसा किया जाए वह कम है, इसकी बात ही निराली है। सभी बहुत ही खुश हैं अपने संस्कृति, अपने विरासत और अपने धरोहर को एक शोभा यात्रा के रूप में निकाल करके हमारी गोरखाली भाई बहनों का जो समर्पण है, जो उमंग है, चेहरे पे साफ दिख रहा है। सभी इस पल के साक्षी हो रहे हैं और यह जो पल है अपने आप में सबसे अलग, सबसे जुदा, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। छोटे छोटे उम्र के बच्चे बच्चियां, बालक बालिकाएं और साथ ही बड़े, क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब में एक अलग ही समर्पण जोश और उमंग का मिश्रण साफ देखे ही बन रहा है। आपको एक बात और बता दें, इस शोभा यात्रा में आचार्य पंडित जी श्री ध्रुव उपाध्याय जो दार्जिलिंग मोड़ दुर्गागढ़ी नवग्रह मंदिर के संस्थापक हैं, उनके ही कंधों पे भानुभक्त समिति के माँ जगत जननी दुर्गा का पूजा का जिम्मेदारी है और वो बहुत ही श्रद्धा समर्पण और विधिवत पूजा को करवा रहे हैं। आज इस शोभा यात्रा में वो पंडित जी भी निकले हैं। आप टोटो में आप उन्हें देख सकते हैं जो पूर्व में हम लोगों ने देखा। और ये देखिए अजीब ही यह दृश्य है, अनोखा, आकर्षक, सबसे सुंदर, जोशीला समर्पण, भाईचारे का संदेश को देते हुए जैसे कि आपको मैंने बोला अलग अलग बैनर्स है इसमें और अलग अलग क्षेत्रों से, सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग इलाकाओं से यहाँ पे तमाम हमारी भाई बहन माता पिता सब अपने अपने बालक बालिकाओं के संग आए हैं और सभी बहुत ही खुश हैं। ये देखिए
एक अनोखा ये भालू का नृत्य करता हुआ, और भी आप देखेंगे इस तरह का झलकियाँ, इसका क्या कहना, बहुत ही मनोरम। ये देखिए कितना नृत्य कर रहा है ये भालू। और ये देखिए यहाँ भी एक भालू का एक, ये देखिए, ये आपको एक बात और बताते हैं, ये 32वां साल का यह फूल पाती शोभा यात्रा है जो कि ढुकाना मठ रवि रत्ना स्कूल के प्रांगण से आरंभ होता है फूल पाती शोभा यात्रा। और यह शोभा यात्रा जो है शहर का परिभ्रमण परिक्रमा करते हुए फिर वापस आएगा और सबको खुशियों का संदेश देता रहेगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आप सभी के साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।